चलो नेक्स्ट टॉपिक है अपना चार्ज बाय कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है पहले सिंपल, अभी छोड़ दो चार्ज, सिंपली कंडक्शन क्या होता था जो अपन ने 11th में पढ़ा था। कोई भी दो बॉडीज का आपस में फिजिकल कांटेक्ट होने से जो हीट ट्रांसफर होती थी उसको अपन बोलते रहे कंडक्शन से हीट ट्रांसफर हुई है। तो यहाँ पे भी वही, वहाँ पे अपन हीट ट्रांसफर कर रहे थे, यहाँ पे अपन क्या ट्रांसफर करेंगे, चार्ज ट्रांसफर करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे। अपन ने दो कैसे भी ले लिए, स्फेरिकली कंडक्टर ले लिए मान लो, ठीक है, वो अलग चीज़ है। हाँ वो हीट ट्रांसफर है, ठीक है, वो अलग नहीं, वो कंडक्शन के एग्जांपल नहीं है, वो कंडक्शन के एग्जांपल नहीं है, वो रेडिएशन के कारण क्या होता है बाहर आता है। दो बॉडी है, दोनों कंडक्टर है, मान लिया बॉल है, लोहे की बॉल है, दोनों अभी अनचार्ज, अभी दोनों क्या है अनचार्ज्ड। अब अपन ने क्या किया, इसको चार्ज कर दिया किसी एक्सटर्नल सोर्स से, अपन ने इसको क्या कर दिया चार्ज कर दिया, और कैसा चार्ज किया, नेगेटिव चार्ज किया, ठीक है। अब ये चार्ज हो गई, ये चार्ज बॉडी है। अब अपन इस अनचार्ज बॉडी को इस चार्ज बॉडी के क्या करेंगे, दोनों एकदम वो है, आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मतलब शेप और साइज में क्या है पूरा इक्वल, ठीक है, मान रहे हैं अपन इसके टच में कांटेक्ट मिलाएंगे तो क्या होगा, सीधी सी बात है ना, दोनों कंडक्टर हैं, ठीक है, तो इसके चार्ज क्या होंगे, इसमें ट्रांसफ़र होने लगेंगे। तो देखना यहाँ से जब अगला स्टेप आएगा और दोनों को अलग करेंगे तो कुछ ये स्ट्रक्चर बनेगा, ये बॉडी भी क्या हो जाएगी आपकी चार्ज हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, जैसे हीट का होता था, ये गर्म है, ये दो मान लो मेटेलिक पेन है, मेटेलिक पेन है, ठीक है, कौन सा, नहीं ये वाला नहीं किए थे, मेटेलिक पेन है, ये वाला गर्म है, ये वाला ठंडा है, इसको इसके कांटेक्ट में रखेंगे तो ये तब तक इसको गर्म करता रहेगा जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए, यानी कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना आ जाए, ठीक है, या फिर इसकी कैपेसिटी के हिसाब से टेम्परेचर ना हो जाए। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला, दोनों कंडक्टर कैसे हैं आइडेंटिकल, यानी शेप और साइज़ क्या है इक्वल, यानी कि जितना चार्ज ये कैरी कर सकता है उतना ही ये कैरी कर सकता है। तो देखो यहाँ पे कितने चार्ज थे, पहले 6 चार्ज थे, अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन अगर अपन देखेंगे तो 3 चार्ज इसमें रहेंगे और 3 क्या हो जाएंगे, इसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, दोनों को कांटेक्ट में ला करके चार्ज का ट्रांसफ़र किया, तो ये क्या हो गया अनचार्ज बॉडी कैसी हो गई चार्ज। तो किस प्रोसेस से अपन ने चार्ज करी, कंडक्शन से। कोई दिक्कत कि चार्ज बाय कंडक्शन क्या होगा, कैसे कंडक्शन से चार्ज करेंगे, नहीं ना, ये फिगर बना लो, फिगर डिफाइन करता है बस, फिगर ही सही, अपन अपने आप से डेफिनेशन रटना नहीं है, कोई चीज़ अपने आप क्लियर हो जाए, मतलब डेफिनेशन अपने से लिखो ज़्यादा सही है, रटने में फिर क्या होगा गड़बड़ होगा। हाँ बिल्कुल करेगा, अगर मैं इसको और बड़ा कर दूंगा तो नंबर ऑफ चार्जेस ज़्यादा हो सकते हैं, छोटा कर दूंगा तो नंबर ऑफ चार्जेस कम हो सकते हैं, वो मतलब उसके वॉल्यूम पे, उसकी साइज पे बहुत डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ नहीं, अपन को सब यूनिफॉर्म पढ़ना है, ठीक है, यूनिफॉर्म वाला पढ़ना है कि लगभग हर चीज़ अपन को क्या मिलेगी, इक्वल मिलेगी। हालांकि चार्ज बाय कंडक्शन कैपेसिटर वगैरह में, अच्छा कि कैपेसिटर वगैरह भी देखेंगे तब डिस्कस करेंगे, इसको वो कर दो, आई पॉज कर दो।